आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है आपको, इन ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फार्मूले की मदद से। ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। जहाँ पर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, शुरू का नंबर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, सेकंड नंबर स्क्वायर हो, तो उसको आप इस तरह से खोल सकते हो। उसको एक मरतबा आप माइनस में लिखोगे, एक मरतबा प्लस में। या फिर आपके पास ये साइड कंडीशन आ जाए, ए माइनस बी, मतलब सेम नंबर माइनस में भी हो और सेम नंबर प्लस में भी हो, तो इन दोनों को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सवाल करते हैं। ए बी सी माइनस डी स्क्वायर, ए बी सी प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4। अब इसमें ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, डी स्क्वायर यहाँ भी है, डी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये पूरा ये फार्मूले की शेप बनती है। इसमें आप पूरा ये ए का नाम दे दें, इसको इसको बोलें बी, ठीक है, ए माइनस बी, और ये पूरा हो गया ए प्लस बी। तो इन दोनों को आप बंद करके इस शेप में लिख सकते हैं, मतलब शुरू का नंबर स्क्वायर हो जाए और बीच में माइनस का साइन, सेकेंड नंबर भी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, शुरू के नंबर को इन दोनों को आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस माइनस, और दोनों इन डी को भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और ये वाली पूरी वैल्यू आपने सेम उतार दी। अब पहले आप इसका स्क्वायर खोल दें, ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर और सी पे भी स्क्वायर, तीनों का अलग अलग स्क्वायर दिया, डी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो डी पावर 4। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी पावर 4, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पावर 4, ठीक है, सेम है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला बनता है। यहाँ मैंने दोबारा भी लिखा है, अगेन यूजिंग फार्मूला, तो एक जगह माइनस की वैल्यू, एक जगह प्लस की वैल्यू, और वैल्यू दोनों नंबर दोनों सेम है, तो इन दोनों को आप इसके बराबर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर जो है, यहाँ पर ये पूरा नंबर है, आपने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और डी पावर 4 के ऊपर भी आपने स्क्वायर दे दिया। इसका स्क्वायर खोल दें, ये हो जाएगा ए पावर 4, बी पावर 4 और डी पावर 4, और ये डी पावर 8। ये इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया, प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझें, समझ आ जाएगा आपको। अगला सवाल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब इसमें एक्स प्लस वाई ये जो पूरा है, ये ए की वैल्यू है और ये बी है, यहाँ पर ये ए और ये बी, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ठीक है, बिल्कुल फार्मूला बनता है यही वाला फार्मूला, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, इसको आपके पास ये वाली साइड मिली हुई है, आपने इसको बंद करके ये वाली साइड बना दी। देखें ए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस जेड और जेड, जेड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और ये माइनस जेड है, इस तरह की जब आपके पास कंडीशन आ जाए, एक नंबर हो, बीच में प्लस या माइनस और दूसरा नंबर और होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर जहाँ पर हो वहाँ पर आपके ये फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा फार्मूला आपने लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए की जगह पर आपने एक्स लिखना है, प्लस सेम लगाया, टू आपने सेम लिखा, ए की जगह पर आपने एक्स लिखा, बी की जगह पर वाई लिखा और बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, और ये वाला जेड स्क्वायर आपने सेम लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वो क्या अगला सवाल है, टू माइनस एक्स क्यूब, टू प्लस एक्स क्यूब, फोर प्लस एक्स पावर 6, 16 प्लस एक्स पावर 12। यहाँ पर 2 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पर 2 प्लस एक्स क्यूब है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो आपने क्या किया, यही सेम फार्मूला लगाया आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आपके पास ये वाली साइड मिली हुई है आपको, आपने क्या करना है, ये वाली साइड बनानी है। तो ए की जगह पर आप 2 का स्क्वायर कर दें और बी की जगह पर आप एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और ये दोनों वाली ब्रैकेट आपने सेम लिख दिए, 2 स्क्वायर होता है 4, एक्स क्यूब के ऊपर जो आपने स्क्वायर दिया वो बराबर हो गया एक्स पावर 6 के, 4 माइनस एक्स क्यूब, 4 प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों सेम वैल्यूज है, प्लस और माइनस का फर्क है। दोबारा से आपने यही वाला फार्मूला लगाया, 4 और 4 का स्क्वायर हो गया,
x पावर 6 और x पावर 6 का भी x स्क्वायर हो गया, और ये वाली ब्रैकेट आपने सेम लिखी, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x पावर 6 का स्क्वायर होता है x पावर 12, ये आपने सेम लिखा। यहाँ पर भी आपने दोबारा से यही वाला फार्मूला लगाया, ये जो यहाँ पर लगाया था, x 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 12 और x पावर 12 का भी स्क्वायर हो गया। 16 का स्क्वायर होता है 256, और x पावर 12 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 24, ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम वैल्यूज है दोनों, इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, तो इसके ऊपर आप यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया आपने, फिर अंडर रूट वाई का भी स्क्वायर कर दिया, ये वाली ब्रैकेट आपने सेम लिखी, ये वाली ब्रैकेट भी सेम लिखी, इन दोनों को जब आप बंद करेंगे तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगी, और ये दोनों आपने यहाँ लिखे, ठीक है, फार्मूले के तहत। अब अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आपके पास एक्स बचेगा, और यहाँ भी अंडर रूट और एक्स वाई और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास वाई बचा, एक्स प्लस वाई आपने सेम लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने सेम लिखा। यहाँ पर आपके पास फिर दोबारा से यही वाला फार्मूला बनता है, ये वाला फार्मूला लगाकर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, और ये वाली वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम उतार दी। फिर दोबारा से यहाँ पर सेम कंडीशन आ गई, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू और नंबर दोनों सेम है, तो आपने यही वाला फार्मूला लगाकर एक्स पावर 4 और माइनस वाई पावर 4 यहाँ पर इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला सवाल है यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सवाल एक आपको मिला है, इसके लिए आपने अप्रोप्रिएट फार्मूला कुछ चूज करना है, जैसे 107 होल स्क्वायर, 107 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 7 करेंगे तो दोबारा से 107 हो जाएगा, तो इसको आपने ब्रेक करके लिख दिया, 100 प्लस 7 होल स्क्वायर सेम है, तो इसके ऊपर अगर होल स्क्वायर है तो ये वाला फार्मूला लग सकता है, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह आपने 100 स्क्वायर लिखा, प्लस 2 सेम लिखा, ए की जगह आपने 100 लिखा, बी की जगह 7 और बी स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर लिखा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया 1400 और 7 7 49, इन तीनों को प्लस किया आपने, ये वाला आंसर आ गया आपके पास, तो इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। 67 और 67 को मल्टीप्लाई करें तो 67 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 67 का होल स्क्वायर, इसको 67 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 70 माइनस 3 इज इक्वल टू 67 होता है, तो आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ प्लस का फार्मूला लग रहा था, यहाँ माइनस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a की जगह पर आप लिखेंगे 70 माइनस 2 सेम लिखा, a की जगह 70 लिखा, b की जगह 3 और b स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900, ये आपके पास 70 को 70 से मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 420 और 3 3 9, इनको प्लस माइनस करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 1104 मल्टीप्लाई 1104, तो इन दोनों को आप स्क्वायर कर सकते हैं, 1104 और 1104 को जब मल्टीप्लाई करें तो दोनों का स्क्वायर होता है, या स्क्वायर करें तो दोनों को अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ब्रेक कर दिया, 1100 प्लस 4, ठीक है, होल स्क्वायर सेम, इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली साइड तो आपको मिली हुई है, आपने सिर्फ ये वाली साइड लिखनी है, ए की जगह पर आपने 1100 का स्क्वायर किया, प्लस 2 सेम लिखा, ए की जगह 1100 लिखा, बी की जगह आपने 4 लिखा और बी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर, 1100 का स्क्वायर करेंगे ये आपके पास नंबर आएगा, इन तीनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें, 4 का स्क्वायर 16, तीनों को प्लस किया तो ये आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है और इस सवाल के नीचे लिखना है, इसमें अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हैं।